दोस्तों, अगर आप भी सूर्य कुमार यादव को अच्छा बल्लेबाज मानते हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत जीता पहला वनडे मैच, तो सूर्य कुमार के एल राहुल और पिच को लेकर ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज भारत के दिग्गजों से जा भिड़े। इस दौरान रिकी पॉन्टिंग, सहवाग, सचिन, धोनी तक में हुई बहस और फिर जो धोनी ने कहा वो सुनकर सब रह गए शांत। तो दोस्तों, आखिर क्या हुआ ये पूरा बवाल वो तो वीडियो में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया में से इस साल यह वनडे श्रृंखला कौन सी टीम जीतेगी? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए, अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप तो जानते हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया चिर प्रतिद्वंदी टीमों में से एक है और दोनों टीमों के बीच 3 मैच की वनडे श्रृंखला का पहला वनडे मुकाबला सफलतापूर्वक समाप्त हो चुका है। और दोस्तों, इस मुकाबले में भारतीय कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी और ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में अपने 10 विकेट गंवाकर 276 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत के लिए सबसे ज्यादा 5 विकेट मोहम्मद शमी के नाम रहे तो एक एक विकेट बुमराह, अश्विन और जडेजा के नाम रहा। अब दोस्तों, बारी थी भारतीय बल्लेबाजों की इस मैदान पर 277 रन बनाकर मैच जीतने की और टीम इंडिया की शुरुआत बेहद ही शानदार थी क्योंकि यहां पर ऋतुराज गायकवाड़ और शुभमन गिल ने मिलकर शतकीय साझेदारी को अंजाम दिया और इस दौरान ऋतुराज गायकवाड़ ने 71 तो वहीं शुभमन गिल ने 74 रन जोड़े, लेकिन इन दोनों के आउट जाने के तुरंत बाद दो बल्लेबाजों के विकेट और गिर गए और वो थे श्रेयस अय्यर और ईशान किशन, जो कि 3 और 18 रन बनाकर आउट हुए। लेकिन यहां पर केएल राहुल और सूर्य कुमार यादव ने मिलकर पारी को संभाल लिया और भारतीय टीम को एक ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया कि वहां से भारत के लिए काफी आसान हो गया। और यहां पर जहां कप्तान केएल राहुल ने 63 गेंदों में 58 रन बनाए तो वहीं सूर्य कुमार यादव ने 50 रन की पारी खेली और भारतीय टीम को जीत दिलाई और 5 विकेट से टीम इंडिया ने इस मुकाबले को अपने नाम करके 1-0 से इस सीरीज में बढ़त हासिल कर ली है। और दोस्तों, अब हर किसी को यही बात का इंतजार है कि यह वनडे श्रृंखला भी भारत जीत जाए, लेकिन आप तो जानते हैं कि जब भी भारतीय टीम मुकाबले जीतती है तो बवाल होना तो तय होता ही है और यहां पर अब ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज भारतीय दिग्गजों से भिड़ते हुए नजर आए हैं। जी हां, यहां पर ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज रिकी पॉन्टिंग ने सबसे पहले भारतीय टीम को उकसाने का काम किया और उन्होंने यह कह डाला कि आखिरकार भारत अपनी सरजमी पर कभी भी बेईमानी से बाज नहीं आएगा, न जाने हमारी टीम से भारत को क्या दुश्मनी है, हमारे खिलाफ हमेशा वो ऐसा ट्रैक तैयार करता है जिस पर हमारे खिलाड़ी खेल ना पाए, विश्व में हमारी गेंदबाजी सबसे उच्चतम स्तर पर है लेकिन इसके बावजूद भी हमारे तेज गेंदबाज विकेट लेने में कामयाब नहीं हो रहे हैं, भारत पहले से ही प्लानिंग करके अपने 2 वनडे मैच जीत लेगा और ऐसी पिच बनाकर ही पूरा वर्ल्ड कप भी खेलेगा। तो वहीं दोस्तों, ये सुनने के बाद वीरेंद्र सहवाग काफी ज्यादा भड़कते हुए नजर आए और इस दौरान उन्होंने कहा कि जब हमारी टीम ऑस्ट्रेलिया जाती है तब आप सभी यही पैतरा अपनाते हैं हमारी टीम को हराने के लिए, लेकिन हमारे खिलाड़ी तब भी इतने टैलेंटेड हैं कि आपकी सरजमी पर आपको हराकर इतिहास रच जाते हैं, अगर अब दम है आपकी टीम में तो अब यह मैच जीत कर दिखाए, हम तो ऐसे ही मुकाबलों को आगे भी जारी रखेंगे। तो वहीं आगे फिर एडम गिलक्रिस्ट का बड़ा बयान सामने निकल कर आता है जो कह देते हैं कि अगर भारत ने अपनी हरकतों में सुधार नहीं किया तो हम आईसीसी से हमेशा अपने हिसाब से पिचों को सेट करके अपने बल्लेबाजों को मौका देता है उनको परखने का और उसी अंदाज में पिच बनाकर वो होम कंडीशंस का सबसे ज्यादा फायदा उठा रहा है, आगे भी अगर ऐसा ही होता रहा तो हम भारत के खिलाफ एक भी मुकाबला नहीं खेलेंगे। तो वही दोस्तों, फिर ये बात सुनने के बाद सचिन तेंदुलकर ने कहा, अगर आपको सीरीज नहीं खेलनी है तो मत खेलिए, लेकिन हम तो अपने होम कंडीशंस का फायदा यहां जरूर उठाएंगे। तो वही फिर आगे माइकल क्लार्क भी भड़कते हुए नजर आए जिन्होंने पिच का मुद्दा तो बनाया और साथ में ये तक कह डाला कि सूर्य कुमार यादव, केएल राहुल, शुभमन गिल, ऋतुराज गायकवाड़ जिन पिचेस पर खेल पाए आप उन्हीं के हिसाब से पिच को तैयार करते हैं। यहां पर सूर्य कुमार यादव ने अभी पूरे श्रीलंका में हो रहे एशिया कप में 30 से ज्यादा का स्कोर भी नहीं बनाया, लेकिन आज सूर्य का बल्ला खूब चला, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये सब भारत की बेईमानी है। तो वहीं दोस्तों, फिर उनको मुंहतोड़ जवाब देते हुए महेंद्र सिंह धोनी ने शांत कर दिया जहां उन्होंने ये तक कह दिया कि सूर्य कुमार एक बेहतरीन बल्लेबाज है, उसने दिखाया है कि मैं कमजोर टीमों के आगे खेलना ज्यादा पसंद नहीं करता लेकिन ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों के आगे बड़े स्कोर तक पहुंचना काफी पसंद करता हूं। और दोस्तों, ये सुनने के बाद तो पूरा भारत देश खुशी से झूम उठा और अब आप सभी क्या मानते हैं कि इन दिग्गजों ने जो कहा वो बिल्कुल सही या फिर गलत, अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।